दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने महज 115 सेकंड ट्रैक पर दौड़कर 119 मिलियन यानी लगभग 880 करोड़ रुपए कमाए, यानी लगभग 7.5 करोड़ रुपए हर सेकंड। आप सोच रहे होंगे कि हम शायद अंबानी, टाटा, जेफ बेजोस या एलन मस्क की बात कर रहे होंगे, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से भागने वाले उसेन बोल्ट की। जी हाँ, वही उसेन बोल्ट जो चीते की रफ्तार से भागते हैं, जिनके नाम दो चार नहीं बल्कि 9-9 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं। आज वो शोहरत के उस मकाम पर हैं जहां पर चंद लोग ही पहुंच पाते हैं, लेकिन उनका ये सफर बेहद मुश्किलों से भरा था। आज जो बोल्ट करोड़ों रुपए के मालिक हैं, एक वक्त ऐसा था कि वो एक वक्त का खाना और पानी के लिए भी तरसते थे। आज हम आपको बोल्ट के फर्श से अर्श तक की पूरी कहानी बताएंगे, वो कहानी जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि अगर लगन सच्ची है तो जिंदगी में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज बोल्ट भले ही रिटायर हो गए हों, पर रेसिंग ट्रैक पर उनका जलवा आज भी बरकरार है। बोल्ट के नाम ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड है। बोल्ट ने दौड़ में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे करने वाले वो दुनिया के पहले इंसान हैं। इन मेडल्स की बदौलत उन्हें दौलत और शोहरत मिली। ये तो हम सब जानते हैं कि उन 2 मिनट से उन्होंने 119 मिलियन डॉलर कमाए, पर उन 2 मिनट के लिए उन्होंने 20 साल जो मेहनत की उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसेन सेंट लियो बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जैमेका के एक छोटे से गांव शेरवुड कॉन्टेंट में हुआ था। उनका ये गांव जैमेका की राजधानी किंगस्टन से करीब 3.5 घंटे दूर था। उनके इस गांव में ना तो सड़कें थी, ना बिजली थी और ना ही हर घर में पानी की सुविधा। बोल्ट एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके परिवार वालों को इस तरह की जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं थी। बोल्ट के पिता का नाम वेस्ली बोल्ट और माँ का नाम जेनिफर बोल्ट है, और दोनों साथ मिलकर गांव में ही एक किराने की दुकान चलाते थे और अपने बच्चों के आर्थिक जरूरतों को पूरा करते थे। इस दुकान में कमाई सिर्फ इतनी ही होती थी कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल सके। अपनी बहन, भाई और परिवार की मदद के लिए बोल्ट किराना दुकान पर रम और सिगरेट बेचने का काम किया करते थे। इन मुश्किलों के बावजूद उनका लक्ष्य कभी नहीं डिगा। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि जवानी के दौरान उनका लक्ष्य कभी नहीं भटका और वो हमेशा खिलाड़ी बनना चाहते थे। बोल्ट ने अपना बचपन भाई के साथ गली क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर बिताया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो छोटे थे तो खेल के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं सोच पाते थे, इसलिए उन्होंने शुरुआत में ही खेल में फ्यूचर बनाने का तय कर लिया था। बोल्ट ने छोटी उम्र में गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और यहीं पर पहली बार उन्होंने एक रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वो सबसे तेज दौड़े। 12 साल की उम्र तक उन्होंने ये तो सोच लिया था कि खेल में ही करियर बनाना है, लेकिन किस खेल में बनाना है ये वो तय नहीं कर पा रहे थे। दरअसल उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट दोनों का ही बहुत शौक था। बोल्ट को बचपन से ही क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी थी कि अगर आज उसेन बोल्ट रनर नहीं होते तो वो क्रिकेट में एक तेज गेंदबाज होते। उसेन सचिन तेंदुलकर और उनके हमवतन क्रिस गेल के बड़े फैन हैं। एक दिन उनके क्रिकेट कोच ने जब उनकी रनिंग स्पीड देखी तो वो हैरान रह गए और उन्होंने उनसे कहा कि वो रेस में हिस्सा लें। क्रिकेट कोच की इस एक सलाह ने उसेन को वो बोल्ट बनाया जो वो आज हैं। उनके क्रिकेट कोच ने उनसे कहा कि वो क्रिकेट छोड़ें और रनिंग की ट्रेनिंग करें और फिर रेस में हिस्सा लें। एक ओलंपिक खिलाड़ी रह चुके पेब्लो मैकनील ने उसेन बोल्ट का टैलेंट पहचाना और उन्हें कोचिंग देनी शुरू की। और फिर क्या था, बोल्ट फिर ऐसे दौड़े कि कभी नहीं रुके, जब तक जिंदगी ने उन्हें नहीं रोका। जी हाँ, उनके करियर में भी एक वक्त ऐसा आया था जब शायद वो रनिंग छोड़ सकते थे और शायद उनकी जगह कोई और होता तो वो करता भी यही, लेकिन बोल्ट इतिहास बनाने आए थे, इतिहास बनने नहीं। वो भी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। करियर, उसेन ने 2001 में अपना पहला हाई स्कूल चैंपियनशिप मेडल जीता जब 200 मीटर रेस उन्होंने महज 22 सेकंड में पूरी की। साल 2001 में कैरिफ्टा गेम्स में खेलते वक्त बोल्ट ने 400 मीटर रेस को 48 सेकंड में पूरा किया और सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद साल 2001 में उन्होंने हंगरी में हुई IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और 200 मीटर की वो रेस 21.73 सेकंड में पूरी की। हालांकि वो फाइनल तक नहीं पहुंचे थे, पर उन्होंने
अपना खुद का पुराना रिकॉर्ड जरूर तोड़ा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब तक उसैन एथलेटिक्स को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। और तो और एक बार तो कैरिफ्टा ट्रायल्स के फाइनल के लिए तैयारी करते समय जब उन्हें प्रैक्टिस करनी थी तो वो जाकर एक वैन में छुप गए थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें उनके इस मजाक के लिए गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि इसके बाद ये मामला जल्द ही सुलझ गया और कैरिफ्टा गेम्स में उसैन ने 200 मीटर की रेस 20 सेकंड में और 400 मीटर की रेस 47.33 सेकंड में पूरी की। उस समय के प्राइम मिनिस्टर पीजे पैटरसन ने उसैन के टैलेंट को पहचाना और किंगस्टन आने का न्योता दिया, जहां वो जमैका आर्मरेचर एथलेटिक्स एसोसिएशन के साथ ट्रेनिंग कर सकते थे। 15 साल की उम्र तक उसैन 6 फीट 5 इंच लंबे हो गए थे। साल 2002 में हुई वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में जीत कर उसैन दुनिया के यंगेस्ट वर्ल्ड जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। उनके देश के लोगों की उम्मीदें उनसे अब बढ़ने लगी और लोगों की उम्मीदों ने उन्हें इतना नर्वस कर दिया कि उन्होंने घबराहट में दाएं पैर का जूता एक बार बाएं पैर में पहन लिया और बाएं पैर का जूता दाएं पैर में। लेकिन उस दिन उन्होंने 400 मीटर की रेस 39.15 सेकंड में पूरी कर ली और सिल्वर मेडल जीता। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मेडल्स की लाइन लगा दी। धीरे धीरे उसैन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। वो कहते हैं ना कि इंसान को सबसे ज्यादा यहीं पर संभलना होता है, क्योंकि जब ये शोहरत सर पर चढ़ती है तो दिमाग अच्छे अच्छों का खराब होने लगता है। ऐसा ही कुछ बोल्ट के साथ भी हुआ। इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ उनका ध्यान उनके खेल से हटकर पार्टी करने, जंक फूड खाने और बाकी खेलों में लगने लगा, जबकि उन्हें रेस कोर्स पर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस से बिल्कुल पहले उन्हें कंजंक्टिवाइटिस हो गया, जिसकी वजह से उनका ट्रेनिंग शेड्यूल खराब हो गया और वो फाइनल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। बोल्ट के लिए ये किसी हादसे से कम नहीं था, और इस हादसे ने बोल्ट के लिए वैक्सीन का काम किया। वो वैक्सीन जिसने बोल्ट को वापस सही ट्रैक पर ला दिया, और इसके बाद उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। अब वो जमैका के ओलंपिक टीम के लिए सिलेक्ट हो गए थे। भले ही उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका खो दिया, लेकिन उन्होंने ओलंपिक टीम में अपनी जगह बना ली। साल 2008, 2012 और 2016 में हुए ओलंपिक में उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता, और इस तरह वो 9 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। वो 11 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2009 से साल 2015 तक हुई सभी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल जीते हैं, और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अब तक के सबसे सक्सेसफुल एथलीट हैं। उनकी इस तेज रफ्तार के लिए उनके फैंस और मीडिया से उन्हें एक नया नाम, द लाइटनिंग बोल्ट, यानी कि तूफानी बोल्ट मिला, और उन्हें स्पोर्ट्स में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए IAAF वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर, BBC ओवरसीज पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर और लॉरेल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जैसे तमाम अवार्ड्स भी मिले। 2017 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद बोल्ट ने स्पोर्ट्स की दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी द लाइटनिंग बोल्ट उसैन बोल्ट की, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से खेलों की दुनिया में अपना नाम बना लिया है, और ऐसे भी कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं जिन्हें तोड़ना शायद आने वाली जनरेशन का सपना होगा। तो दोस्तों, आप भी वो काम करिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जो आप सबसे बेहतर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप दिल से किसी काम को करोगे तो आपको उसमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।